ताजमहल भारत का सबसे मशहूर स्मारक है। भारत में सफर करती हमारी टीम ने वो भव्य किले और शानदार महल खोज निकाले हैं, जिनके कारण ताजमहल बन सका। ये एक अद्भुत निशानी है प्यार की, जो शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के लिए बनवाई थी। उन्होंने गर्म हिंदुस्तानी मैदानों में एक पत्थर का बागीचा बनवा दिया था। शाहजहां के इस स्मारक के बारे में आज तक कई कहानियां हैं, जिनमें काले ताज की कहानी अभी तक मशहूर है। शाहजहां असल में यमुना नदी के उस पार एक काला ताज बनाना चाहते थे, तो मुझे नदी पार करके देखना है कि वहाँ मुझे क्या मिलेगा। 5 सदियों बाद हम आधुनिक रिसर्च इस्तेमाल करके अद्भुत इमारतों और बागीचों का एक नेटवर्क बनाएंगे, जो पहले से भी ज्यादा शानदार होगा। एक ऐसी दुनिया जो शाहजहां को भी नसीब नहीं हुई थी, लेकिन जो आज भी लोगों को चकाचौंध कर सके। ये ताजमहल की खोई हुई दुनिया है। भारत सन 1631, मुगल बादशाह शाहजहां अपनी बेगम मुमताज महल की मौत का मातम मना रहे थे। उनका दिल सिर्फ आर्किटेक्चर की दुनिया में लगता था और उनका परफेक्शन के लिए जुनून आजीवन बरकरार रहा। शांत जमुना नदी के एकांत तट पर उन्होंने शानदार मकबरे ताज महल की नींव डाली। बीती 3 सदियों में उनकी प्रजा ने ऐसा साम्राज्य बनाया जो लगभग पूरे भारत में फैला हुआ है। हालांकि वो खुद मुसलमान थे, लेकिन उनकी प्रजा हिंदू थी और उन्होंने अपनी तमाम दौलत अपने इस ख्वाब को पूरा करने में लगा दी। जिन हिंदू कारीगरों पर वो राज करते थे, वो अपने पत्थर तराशने के हुनर के लिए मशहूर थे। वो कुछ अनोखा बना रहे थे। इस योजना का पैमाना इतना विशाल था कि जमीन पर पूरा शहर उभर आया। उसमें निर्माण के 20 साल तक 20,000 मजदूर रहते थे। आज इसकी कीमत 20 करोड़ डॉलर से ज्यादा ही होगी, लेकिन ताजमहल का एक ही उपयोग था, एक बेगम की कब्र। इसकी सबसे जबरदस्त विशेषता है इसका पत्थर। इसकी ऊंचाई इसकी चौड़ाई और गहराई के बराबर है। 20 मंजिला इमारत जितनी बड़ी, तकरीबन 115 फुट की। ये अमर प्रेम की निशानी है, लेकिन ये बेलगाम चाहत का सबूत भी है। एक शख्स का अहम। इस स्मारक का ऊंचा ओहदा ये बात छिपा लेता है कि ताज के कई असली निर्माण और बागीचों को वक्त ने निगल लिया है। हमारे जांचकर्ता भारत आए हैं उस दुनिया की खोज में, जिसने ताजमहल को जन्म दिया। ये समझना आसान है कि रोज 20,000 लोग ताजमहल देखने क्यों आते हैं। जब आप इसके दरवाजे से गुजरते हैं, इसका असर कुछ अलग है। इसका साइज जबरदस्त है। आर्कियोलॉजिस्ट क्रिस्टिन रोमी उन विरोधी आर्किटेक्चरल परंपराओं के बारे में जानने की कोशिश कर रही हैं, जिसने इसे आकार दिया। आज ये दुनिया का सबसे अच्छी तरह से संरक्षित और सबसे सुंदर मकबरा है। सही मायनों में देखा जाए तो इस बात में काफी दम है कि ताज असल में सिर्फ एक मकबरा है। ताजमहल एक नए तरह के आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का शिखर है, जो शाहजहां के राज में विकसित हुआ था। इंजीनियर माइक शूलर महल की बनावट के बारे में और जानना चाहते हैं कि इसमें कौन से औजार और तकनीकें इस्तेमाल हुई थी, उसमें भारत की पत्थर चिनाई की परंपरा का क्या हाथ था। जब इसे पोस्टकार्ड पर देखते हैं तो ये बहुत ही छोटा और नाजुक लगता है, लेकिन यहाँ इसका सुडौलपन बहुत ही सुंदर है। लेकिन शाहजहां का ख्वाब हमेशा एक से ज्यादा महल बनाने का था। आज भी जगह 46 फुटबॉल के मैदानों से बड़ी है, लेकिन शाहजहां के समय में ये और भी बड़ी रही होगी। आपको लगता है कि ताजमहल एक हरे भरे बागीचे के बीच में है, लेकिन असल में और भी बिल्डिंग्स इस ताज कॉम्प्लेक्स से जुड़ी थी। ये किला बंद लगता है। जिस बाहरी दीवार के बड़े दरवाजे से हम अंदर आए, वो 30 फुट मोटी है, बहुत ही जबरदस्त। आज ताजमहल की तस्वीरें एक ही जगह से ली जाती हैं, वही इसकी पहचान बन गई है।
लेकिन ताज के भीतर ऐसी कई किला नुमा इमारतें अलग अलग सभ्यताओं का मेल दर्शाती है। ये मुगल राजवंश का नमूना है। कई सदियों से इसकी अचूक सिमेट्री और चमक ने लोगों को चकाचौंध कर दिया है और उनके पीछे एक दिलचस्प बात छुपी है। हजारों टूरिस्ट जो यहाँ रोज आते हैं वो ये नहीं जानते कि वो जो देख रहे हैं वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल शाही दरवाजा उत्तर में है, नदी के किनारे। मुगल काल में नदी ही मुख्य रास्ता थी जो सारी शाही इमारतों को जोड़ती थी, और आज ज्यादातर टूरिस्ट ताज को वैसे नहीं देख पाते जैसा कि मुगल बादशाह ने चाहा था। शाहजहां और उनके शाही मेहमान तट पर बने चबूतरे से आते थे जिसे बढ़ती नदी ने बहुत पहले ही नष्ट कर दिया। वो दरअसल नाव पर सवार होकर आते। अच्छा, ये हाईवे था। हाईवे उस जमाने का हाईवे, उसका इस्तेमाल खोज भी। डॉक्टर इमरम डायलन ताजमहल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के हेड है। उन्होंने माइक को बताया कि कॉम्प्लेक्स को कैसे देखने के लिए बनाया गया था। और ये बिल्डिंग का मेन हिस्सा है, सामने का हिस्सा। यही वजह है कि आप देख सकते हैं इसे खूबसूरत जड़ाऊ काम और फूल पत्ती की नक्काशी से सजाया गया है। सुंदर सजावट है इसकी। बहुत खूब। ये जड़ाऊ काम शाहजहां के समय में चालाकी से छिपाया गया था। ये सिर्फ शाही आंखों के लिए था। उनका ख्वाब पूरा करने के लिए ये जगह बहुत अहम थी, लेकिन नदी किनारे कुछ भी बनाना शाही इंजीनियरों के लिए मुश्किल काम था। सरकती और रेतीली जमीन पर नींव खड़ी करना आसान नहीं था। उन्हें खोदने के बाद वो तुरंत फिर से भर जाती थी। इंजीनियरों को यहाँ एक भव्य महल खड़ा करना था, इसलिए उन्हें एक अनोखा उपाय निकालना पड़ा। मजदूरों ने ठोस जमीन तक गहरे गड्ढे या कुएं खोदे और उनमें पत्थर और कंकड़ भर दिए। ये नींव कितनी गहरी है? ये आज की जमीन से 15-20 फुट गहरी है। सच कहें तो नींव बहुत ही गहरी बनाई गई थी। तो ये पानी निकालने वाले कुएं की तरह नहीं है, बल्कि धरती में ऐसे खुदाई की गई थी जैसे अक्सर कुएं बनाते वक्त की जाती है, पर उसमें पत्थर, गारा, लोहा और ऐसी कई सारी चीजें भरी गई थीं नींव को एक तरह से ज्यादा तगड़ा और सहनशील बनाने के लिए। हाँ, बिल्कुल ठीक। आज ताजमहल साबुत नहीं दिखता, संगमरमर फीका हो गया है। इधर उधर खाली जगहें खोए पत्थर की याद दिलाती हैं। ये प्रदूषण और साल भर लाखों टूरिस्ट की चहल पहल के असर हैं। कभी कभी तो एक दिन में 30,000 लोग यहां आते हैं। इसलिए ताजमहल के संरक्षण का काम अपने आप में बड़ा भारी है। माइक के लिए ये अनोखा अवसर है इसको बनाने वाली प्राचीन कलाओं को खुद देखने का। जबरदस्त, ये बहुत ही खूबसूरत है। देखने से लगता है, लेकिन ताजमहल संगमरमर के ठोस ब्लॉक से नहीं बना है। उसे सादी ईंट से बनाया गया है और फिर उस पर संगमरमर या लाल सैंडस्टोन लगाया गया है। सैंडस्टोन के ब्लॉक कटने के बाद उन्हें सुंदर नक्काशी और मार्बल के जड़ाऊ काम से सजाया जाता है। इनमें से कई कारीगर ऐसे परिवारों से हैं जिनकी कई पीढ़ियां ताजमहल पर काम कर चुकी हैं। हम अभी मेन स्टोन यार्ड से आ रहे हैं जहां पत्थर पर मोटा मोटा काम होता है। फिर वो इसे यहां लाते हैं जहां कारीगर इन पर ये बारीक फूलों के डिजाइन बनाते हैं और इसे अच्छी फिनिशिंग भी देते हैं। दरअसल इस पत्थर को मेन गेट वाली दीवार पर लगाया जाएगा जो वहाँ अंदर है, जहाँ पुराना पत्थर समय और मौसम के साथ भुरभुरा गया है। तो संरक्षण का एक हिस्सा है पत्थर पर बने पैटर्न को दर्ज करना और उसकी हूबहू नकल बनाना। ये देखने में बड़ा महीन लगता है, कला का अच्छा नमूना है, लेकिन इन्हें बहुत मामूली औजारों से बनाया गया है जो दरअसल बहुत ही प्राचीन तरीका है। आधुनिक सुधार के नाम पर साधारण छेनी है जिसकी नोक पर सख्त स्टील है, बस। बारीकियों पर गजब का ध्यान दिया गया है। संगमरमर को जड़ने के लिए पारंपरिक तौर से काटा जाता है, इसमें बहुत कारीगरी है। ओह, ये क्या है? ये धनुष की तरह दिखने वाली आरी है और ये पतले से तार से कुशलता के साथ पत्थर को काट रहे हैं। बहुत ही बारीक काम है। संगमरमर को रगड़ने की सरल तकनीक से काटा जाता है। इसमें रेत, पानी और पतली डोरी इस्तेमाल होती है। कंप्यूटर का यहाँ कोई काम नहीं,
हर एक हिस्से को बड़ी मेहनत के साथ हाथ से बनाया जाता है। वाह, जरा ये देखिए, इसकी कारीगरी बिल्कुल अद्भुत है। यहाँ जो गारा इस्तेमाल होता है वो भी 300 साल पुरानी पारंपरिक विधि से बनता है। ओ, ये पिछले 10 मिनट से पीस रही हैं सारे कंकड़ों को तोड़कर महीन पाउडर बनाने के लिए। लेबोरेटरी में काफी जांच करने से पता चला कि ताज पर इस्तेमाल हुआ गारा आटे, शीरे, नींबू और संगमरमर की धूल से बना था। साथ ही साथ इसमें फलों का रस भी शामिल था। हाँ, ये पेस्ट जैसा है लेकिन बहुत महीन है, इसमें जरा भी कंकड़ नहीं, बहुत ही चिकना है। ये आपको बाजार में नहीं मिलेगा, ये बहुत खास है और कई सौ सालों से अपना काम बखूबी कर रहा है। प्राचीन तरीके से काम होता देखकर मुझे बड़ा मजा आ रहा है। 350 साल बीतने पर भी शाहजहां की विरासत मजबूत है। उस वक्त और आज भी कारीगर उनके प्रेम की यादगार की शान को बरकरार रखने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसे बनाने में और लोगों का भी हाथ है। शाहजहां और उनका ताज दूसरे राजाओं और इमारतों के वंशज हैं। ताजमहल पर काम शुरू होने के 50 साल पहले शाहजहां के दादाजी अकबर द ग्रेट ने लाल सैंडस्टोन से एक विशाल दुर्ग बनाया था। अब गजब के महलों और अभेद्य किलों में हमारे जांचकर्ता ताजमहल का डीएनए ढूंढेंगे। हमारे जांचकर्ता भारत आए हैं ताजमहल को जन्म देने वाली दुनिया फिर से खड़ी करने के लिए। ताजमहल आर्किटेक्चर का एक बेमिसाल नमूना है और इसकी दिलचस्प प्रेम कहानी जिसने इसे जन्म दिया बहुत मशहूर है। ये मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल सिर्फ एक इंसान के गम का नतीजा नहीं है, ये दो विरोधी सभ्यताओं के संगम से पैदा हुआ है, हिंदू और मुसलमान। और इन दो शैलियों का संगम शुरू हुआ शाहजहां के दादा अकबर द ग्रेट से। मुगल सल्तनत में उन्होंने सबसे ज्यादा निर्माण किए थे। अकबर ने अपना साम्राज्य महलों और किलों से भर दिया, अपनी प्रजा को चकाचौंध करने के लिए और अपने राज की शान बघारने के लिए। आर्कियोलॉजिस्ट क्रिस्टन रोमी ताजमहल से करीब 32 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की दिशा में अकबर की सबसे शानदार रचना फतेहपुर सीकरी शहर जा रही है। इस दुर्ग की बनावट बिल्कुल नई और दूरदर्शी थी, इसका काफी असर ताजमहल की बनावट पर भी पड़ा। फतेहपुर सीकरी का लाल सैंडस्टोन समय के साथ बिल्कुल नहीं बदला। सन 1569 और 1585 के बीच में बनाया गया फतेहपुर सीकरी 4.5 सदियों से शांत पड़ा है। दरअसल सबसे खास बात फतेहपुर सीकरी की ये है कि यहाँ पर आपको जीवन के बहुत सारे सुराग नहीं मिलेंगे। ये बहुत साफ सुथरी साइट है, यहाँ ज्यादा मलबा नहीं पड़ा है और इस जगह से ये अंदाजा नहीं लगता कि कोई भी यहाँ जरा से भी वक्त के लिए ठहरा हो। सिर्फ 16 साल के बाद अपर्याप्त पानी की सुविधा यहाँ की आबादी का पोषण नहीं कर सकी और इसे छोड़ दिया गया। अगर आप आसपास की बिल्डिंग्स देखें तो ये बहुत बड़ी लगती है, विशाल हाँ। और खाली। क्रिस्टन लोकल आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर मक्खन लाल से उस छोटे अरसे की बात कर रही हैं जब अकबर का ये शहर मुगल सल्तनत का केंद्र था। फतेहपुर सीकरी धंधे और व्यापार का केंद्र था, दुनिया भर से व्यापारी यहाँ अपना सामान बेचने आते थे। यहाँ सोने, मसालों और बढ़िया सिल्क का व्यापार होता था। दुर्ग के बाहर बड़ी दीवारों से सुरक्षित और साफ सुथरी दुकानों की एक कतार मुख्य मार्ग के किनारे लगती थी। वहाँ दूर तक दुकानें होती थीं। ओह अच्छा। ये एक एक दुकान है। ये थोड़ी छोटी हैं। ये छोटी हैं लेकिन इनमें कई विशेष तरह की दुकानें थीं। तो आपके मुताबिक दुकानदार यहाँ सामने रहता होगा? दुकानदार सामने बैठता था, खरीदार ठीक यहाँ बैठते थे और मोल भाव करते थे, बातचीत करते थे कि कौन सा सामान खरीदना है। सबसे महंगी चीजें एक शानदार चौक में बिकती थीं, जहाँ एक बड़ा सैंडस्टोन का दरवाजा था। ये चौक जरा आकर्षक लग रहा है।
हाँ, ये कुछ खास चीजों के लिए था, जैसे ऐशो आराम की चीजें। अच्छा, तो वो सस्ती फुटपाथ की दुकानें थी और ये एक तरह का मुगल जमाने का मेडिसन एवेन्यू था। जी हाँ, बिल्कुल, आप ऐसा कह सकती हैं। ये कल्पना करना खूब है कि ये जगह अपने चरम पर कैसी दिखती होगी। साम्राज्य के अलग अलग कोनों से व्यापारी आते होंगे। फतेहपुर सीकरी की बढ़िया दुकानों के हाथों से खूब दौलत गुजरती थी। ये एक फलता फूलता व्यापार केंद्र था जिसकी पहुंच यूरोप और ऑटोमन साम्राज्य तक भी थी। अकबर के आर्किटेक्ट ने अपनी प्रेरणा उन डेरों से ली जहां उनके लोगों के रहने का रिवाज था। ये लोग कभी बंजारे हुआ करते थे। ये खाली पड़े मंडप असल में तंबू थे जिनमें कपड़े की बजाय पत्थर लगा दिया गया था, और अकबर की इस शानदार रचना का गहरा असर हुआ शाहजहां पर। उन्होंने भी अपने किलों और महलों में लाल सैंडस्टोन इस्तेमाल किया। भारत की पत्थर तराशने की परंपरा दुनिया में सबसे कुशल मानी जाती है। भारत में 10वीं सदी से पहले ही पत्थर के कारीगरों ने भव्य मंदिर बनाए थे जिनको भगवान, अप्सराओं और जानवरों की असल मूर्तियों से सजाया था। जब अकबर ने फतेहपुर सीकरी की नींव डाली तब उन्हें लोकल भारतीय कारीगरों की कला का पूरा अंदाजा था। कारीगर अपनी कला आगे की पीढ़ियों को सिखा जाते थे, और आज वही कुशलता जिससे शहर बना उसे संजोए रखने के काम आ रही है, क्योंकि ये तरीका नहीं बदला। माइक शुलर को ये देखने का मौका मिल रहा है कि सदियों पहले काम कैसे होता था। उन्होंने जिस तरह की सूक्ष्मता देखी उसकी बराबरी आधुनिक तकनीकें बहुत कम ही कर सकती हैं। यहाँ अकबर के कारीगरों ने जबरदस्त पत्थर के महल बनाए जिन्हें सुंदर नक्काशी और जड़ाऊ काम से सजाया। इनमें से एक बीरबल का महल बादशाह के जनान खाने की औरतों के लिए बना था। उनके जनान खाने में लगभग 5000 औरतें थीं, 100-200 उनकी बीवियाँ। उनमें से कई जीते जी उनसे मिली ही नहीं, तो समझ लीजिए कि कई बहुत सुंदर लेकिन बहुत ही ऊब चुकी लड़कियाँ सोने के पिंजरे में कैद थीं। अकबर का जनान खाना उनके साम्राज्य के मुताबिक बढ़ता रहा। हर नई जीत के साथ पराजित रईस अपनी सबसे सुंदर बेटियां उन्हें तोहफे में दे देते थे, लेकिन इन सबसे ज्यादा उन्हें अपने राज्य में दिलचस्पी थी। दीवाने खास भारत की किसी भी इमारत से हटकर है। इसके बीच में थ्रोन पिलर नाम का एक अद्भुत नक्काशीदार स्तंभ खड़ा है जिसके ऊपर एक बड़ा गोलाकार चबूतरा है, उससे चार जंगलेदार पुल बाहर निकलते हैं। अपने सिंहासन पर बैठकर अकबर अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों से सलाह मशवरा करते थे। इन मशवरों के जरिए उन्होंने भारत के मजहबों को जोड़ने की सोची। ये खंबा उनकी इस कोशिश का प्रतीक है क्योंकि इसमें हिंदू और इस्लाम दोनों धर्म से नमूने लिए गए हैं। फतेहपुर सीकरी ने जो प्रेरणा दी वही उसका सबसे बड़ा योगदान था। उसने भारत को एक आर्किटेक्चर और संस्कृति के जरिए से ऐसा सपना दिखाया जिसमें दोनों मजहबों का मेल मिलाप हो गया। अकबर ने लोकल कारीगरों की कला काम में लगाई जबकि वो उनके अपने रिवाजों से अलग थीं। ये मेलजोल उनका सपना पूरा करने के लिए अहम था। हमारे जांचकर्ता भारत आए हैं ताजमहल को जन्म देने वाली दुनिया फिर से खड़ी करने के लिए। वो आगरा में है, ताजमहल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर। यहाँ लाल स्टोन का भव्य स्मारक रेड फोर्ट यानी लाल किला यमुना नदी के मोड़ पर खड़ा है। इसे अकबर ने बनाया था, मुगलों में सबसे महान राज्य बनाने वाला शख्स। सन 1526 से 1858 तक मुगल वंश ने अपने राज्य की सीमा बढ़ाई और पूरे भारत में अपनी सल्तनत फैला दी। मुगल सुरक्षा के लिए किले बनाने में भी निपुण थे। उनकी विरासत आज भी दिखाई देती है भारत की भूमि पर बिछे महलों और किलों में। आगरा का लाल किला उनके सबसे ताकतवर निर्माणों में से एक है। ये नाम उसके चारों ओर खड़ी 110 फुट ऊंची लाल सैंडस्टोन की दीवार की वजह से पड़ा। ये किला
200 साल से ज्यादा मुगल सल्तनत के प्रशासन का केंद्र बना रहा। नजर पर छा जाने वाला किला लोगों को याद दिलाता था कि आखिर ताकत किसके पास है। इंजीनियर माइक शुलर इसकी रक्षा का प्रबंध परख रहे हैं। ये चट्टानों की कड़ी जैसा है, सीधी चट्टाने जिन पर चढ़ना नामुमकिन है। देखने में लगता है कि ये ठोस पत्थर की बनी है, लेकिन इनकी बनावट ताजमहल जैसी है, जहां पत्थरों के अंदर दीवार ईंट की बनी है। अब इसका मतलब ये कम मजबूत नहीं है, लेकिन सोचने की बात ये है कि ठोस पत्थर के किले पर आक्रमण करने की बात जरूर कोई पागल ही सोचेगा। अकबर का यही इरादा था कि दीवारें अटूट बन जाए। बराबर अंतराल पर दरवाजे थे, ऊंची मीनारों और दीवारों से सुरक्षा और बढ़ती थी। 16वीं सदी की शुरुआत में शाहजहां, जिन्होंने बाद में ताजमहल बनवाया, इस किले के वारिस हो जाते हैं और इसको बदल डालते हैं। उनका राज मुगल हुकूमत की बसंत जैसा था, एक शांत अरसा जिसमें खुशहाली और स्थिरता थी। उनका हुक्म सबसे ऊंचा था, उनके राज्य में लड़ाई नहीं होती थी। ये जबरदस्त शानो शौकत का अरसा था, जब लोग अपने महान शासक को सबसे बड़ा निर्माण करते हुए देख रहे थे। अपने दादाजी से विरासत में मिली इमारतों से शाहजहां संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने आगरा के लाल किले के बड़े बड़े हिस्सों में सुधार किया। उन्होंने उसे सुरक्षित गढ़ से आनंद को समर्पित महल में बदल दिया। उन्होंने सफेद संगमरमर में अपनी छाप छोड़ी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो ताजमहल में क्या करने वाले हैं। लाल सैंडस्टोन को हटाकर सफेद संगमरमर से सजावट की गई। जहां अकबर के निर्माणों ने अनेकता को अपनाया था, शाहजहां की शैली में एक नई तरतीब में विश्वास दिखता था। उनके निर्माणों में हिंदू और मुसलमान परंपरा अलग नहीं है, बल्कि दोनों के मिलने से कुछ बिल्कुल अनोखा पैदा हो गया। क्रिस्टिन जो देख रही हैं, वो दो संस्कृतियों का संगम है, जिसे पत्थर में दर्शाया गया है। अगर आप इसे गौर से देखें तो इसमें हिंदू और इस्लामिक डिजाइन भरपूर है, जैसे कि ये रेखा से बनी चीज यहाँ, जिसके ऊपर ये हिंदू आर्च है। खास बात ये भी है कि ये इमारतें कैसी दिखती हैं, इस पर दिन के समय का भी गहरा असर पड़ता है। इसके डिजाइन में एक मजेदार ऊर्जा है और सैंडस्टोन की बनावट बहुत खूब है, और इसका रंग भी ये मांस जैसा मुलायम गुलाबी लगता है, और फिर ये गहरा लाल हो जाता है, और सूर्यास्त के वक्त ये फिर से गुलाबी हो जाता है। तो ये बिल्डिंग लगातार बदलती ही रहती है। प्राकृतिक तत्वों के प्रयोग से इमारतों की दिखावट को संवारने का ख्याल ताजमहल पर पूरे जोर शोर से इस्तेमाल हुआ है। आगरा फोर्ट हमेशा से एक सेना की छावनी से ज्यादा रहा है, और इन दीवारों के अंदर शाहजहां मुगल दरबार की शराब और शबाब वाली जीवन शैली में डूबते चले गए। वो अपने जवाहरातों और कपड़ों की पसंद के लिए जाने जाते थे, और दर्जियों और जौहरियों की एक टोली उनकी सेवा किया करती थी। उनके जनान खाने में कई सौ वेश्याएं और दासियां रहती थीं, और दर्जनों बीवियां भी थीं। इस शानो शौकत का शिखर था मुसम्मन बुर्ज पैलेस, जो उन्होंने अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल के लिए बनवाया था। उनके मरने पर उन्हें ताज महल में रखा गया, लेकिन जीते जी वो यहाँ रहती थीं। आर्कियोलॉजिस्ट क्रिस्टन रोमी महल को परख रही हैं। उन्होंने पाया कि इस जगह ही शाहजहां ने उस शैली के साथ प्रयोग किए जो ताजमहल के पूरा होने तक अपने चरम पर पहुंच गई थी। ये एक अद्भुत निशानी है प्यार की, जो शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनाई थी। देखा जाए तो उन्होंने गर्म हिंदुस्तानी मैदानों में एक पत्थर का बागीचा खड़ा कर दिया था। खूबसूरती बढ़ाने के लिए शाहजहां पूरे राज्य और उसके बाहर से भी राय लेते थे। उन्होंने यूरोप के कारीगरों को अपने दरबार में अपने कारीगरों को कीमती पत्थरों को जड़ने के नए नए तरीके सिखाने के लिए बुलाया, जैसे कि इटालियन तरीका पिएट्रा ड्यूरा, रंग बिरंगे कोरल, लैपिस और दूसरे पत्थरों से कई तरह के फूल बनते थे। नतीजा इतनी सफाई के साथ महल की दीवारों पर बहता हुआ नजर आता था कि लगता था ये चित्रकारी है, पत्थर का काम नहीं।
ये देखिए, ये कितना जबरदस्त जड़ाऊ काम है जिसमें एगेट्स और कार्नीलियंस हैं और हर तरह के बेशकीमती पत्थर लगे हुए हैं। इन सब आर्चेस और खम्बों के आगे का हिस्सा देखिए। मुगल शायरी और कुरान में फूलों के विषय में कहा जाता है कि ये जन्नत के पानी से उभरते हैं। सफेद संगमरमर में जड़े फूलों के खूबसूरत डिजाइन इस्लाम के मुरीदों से वादा किए गए इनाम का प्रतीक है। आज ये महल ताजमहल के सबसे खूबसूरत नजारों में से एक पेश करता है और नसीब का फेर ऐसा है कि शाहजहां ने अपना आखिरी समय यहाँ अपने बेटे का बंदी बनकर गुजारा और यहीं से अपनी महान रचना को निहारते हुए दम तोड़ दिया। शाहजहां ने आगरा फोर्ट पर काम ताजमहल से 20 साल पहले किया था, लेकिन हमारी जांच से ये साफ है कि यहाँ पाई गई सामग्री और डिजाइन के लक्षण बाद में ताजमहल में हूबहू बनाए गए। लाल सैंडस्टोन को चमकते सफेद संगमरमर ने हटा दिया जिसमें खूबसूरत जड़ाव काम था। यहाँ किए गए प्रयोग इतिहास की सबसे दंग कर देने वाली इमारत को बनाने में इस्तेमाल हुए। हमारी टीम ने ताजमहल का विकास समझ लिया है जिसमें खोए शहर और किले उजागर हुए जिन्होंने इसके निर्माण का रास्ता बनाया। अब वो वापस ताजमहल पहुंचे हैं जो बादशाह शाहजहां का मुगल आर्किटेक्चर का मास्टरपीस है और दुनिया की सबसे मशहूर इमारत। आज भी मुगल सल्तनत से जुड़ी दौलत और ताकत हमें नजर आती है। हम मुगल शब्द को हॉलीवुड मुगल्स या रियल एस्टेट मुगल्स कहने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये शब्द मुगल शाहजहां के समय से आया है। वो मुगल वंश का हिस्सा थे। उन्होंने ताकत और दौलत का एक मकाम हासिल किया था जो आज भी लोग पाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो मुगल कहलाते हैं और ये शब्द शाहजहां के समय से आया है। हमारी टीम पता लगाना चाहती है कि बादशाह शाहजहां के समय में ये बेजोड़ इमारत कैसी लगती होगी। ये एक बड़ी चुनौती है क्योंकि ताजमहल के कई असली स्ट्रक्चर्स बढ़ते हुए शहर या नदी जैसे प्राकृतिक तत्वों ने नष्ट कर दिए। उन्हें इस स्मारक में छिपे इस्लाम के चिन्हों को भी समझना होगा। सारे मुगल बादशाहों की तरह शाहजहां भी मुसलमान थे और सजावट की बारीकियों में धार्मिक अहमियत भरी है। आर्कियोलॉजिस्ट क्रिस्टन रोमी अपनी जांच मुख्य द्वार से शुरू करती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ताजमहल के दरवाजे पर कुरान में दर्ज किया गया अल्लाह का वादा इसके चारों ओर लिखा हुआ है। ये द्वार उस दरवाजे का प्रतीक है जिससे गुजर के मोहम्मद अनंत में चले गए थे, और ये शब्द ताजमहल के दोनों उद्देश्य दिखाते हैं कि ये मकबरा भी है और जन्नत के बागों की नुमाइंदगी भी। और जानने के लिए क्रिस्टन लोकल इतिहासकार डॉक्टर प्रियलीन सिंह से मिलती है। जन्नत के बाग आमतौर पर चिन्हों से भरे होते थे, चाहे वो कुछ बोने की बात हो या पानी के इस्तेमाल की। जैसे कि बोने की बात करें तो बहुत सारे फूल होते थे क्योंकि इस्लामी सभ्यता में ये दिव्य दायरे के चिन्ह थे। मुगल रेगिस्तान के लोग थे जिन्हें चिलचिलाती धूप और सूखी जमीन की आदत थी। हवा से पनाह और पानी का बढ़िया प्रबंध, एक बगीचे का नखलिस्तान, ये उनका जमीन पर जन्नत का ख्याल था। अब हम तस्वीर बना सकते हैं कि बाग कैसा दिखता होगा। शाहजहां के समय में ये नखलिस्तान यानी ओएसिस जैसा दिखता होगा। ऐसा लगता होगा मानो ताजमहल फलों के पेड़ों के ऊपर तैर रहा है। इंजीनियर माइक शुलर जानना चाहते हैं कि ये हरे भरे जन्नत के बाग भारत की इस तपती जमीन पर कैसे उग पाए। तो यहाँ एक नाला है, और क्या इसमें नदी से पानी आता था? हाँ, पानी यहाँ से अंदर आता था और यहाँ एक पुली सिस्टम था। छेद थे जो खम्भों और पहियों को संभालते थे और पानी वहाँ ऊपर खींच लिया जाता था। ये प्रबंध पानी को नदी से बाल्टियों में खींचता था। उन्हें 40 फुट ऊपर एक पानी की नहर तक बैल से चलने वाली एक चरखी के जरिए खींचा जाता था। वहां से पानी एक कुंड तक बह जाता था, फिर एक और बड़ी टंकी में ऊपर चढ़ाया जाता था। माइक मानते हैं कि उन्हें सुराग मिल गए हैं कि बड़ी पानी की टंकियां कहां रही होंगी।
तो इन दीवारों, इन बड़ी भारी दीवारों को देखकर लग रहा है कि ये ऊपर काफी भार संभालती होंगी। हाँ, हाँ, है ना? मुझे लगता है इसके ऊपर एक पानी की टंकी जरूर रही होगी। इस सिंचाई व्यवस्था की वजह से रोज हजारों गैलन पानी आ पाता था। बहुत सालों तक इसने एक सुंदर बागीचे का ओएसिस भारत की चिलचिलाती धूप में भी बनाए रखा। ये बड़ी मुसीबत का काम था, दो ऊपर खींचने के प्रबंध, खूब सारा पानी इतनी ऊंचाई तक उठाया जाना। वैसे इतनी ऊंचाई की क्या जरूरत थी? ऊंचाई की जरूरत इसलिए थी क्योंकि मुख्य बागीचे की सारी नालियों में पानी पहुंचाना था। तो पंप का इस्तेमाल करने के बजाय हम ग्रेविटी से अपना काम निकलवा रहे हैं। पानी पाइप से नीचे बहकर फव्वारों से ऊपर उछलता था। हाँ, ताजमहल अपने साफ सुथरे लॉन और सजीली सिमेट्री के साथ शांति का एक चित्र लगता है, लेकिन इन दीवारों से कुछ दूरी पर ही एक अलग दुनिया है। पुरानी दुकानों और सस्ते सराय से भरा हुआ ये इलाका कहलाता है ताजगंज। बहुत से टूरिस्ट ये नहीं जानते हैं कि ये पतली गलियां कभी ताजमहल के इलाके का जरूरी हिस्सा हुआ करती थी, जिसे कारवा सराय कहते थे। क्रिस्टन रोमी आर्कियोलॉजिस्ट जॉन फ्रिट्ज से मिली, जिन्होंने ताजमहल के परिसर के असली नक्शे को बनाने में 10 साल गुजारे हैं। कारवां सराय सफर करते हुए व्यापारियों के ठहरने और उनके माल को रखने की सुरक्षित जगह थी। ये जगह व्यापार का केंद्र थे। शाहजहां चाहते थे कि लोग ताजमहल को देखें। वो चाहते थे कि लोग उससे प्रभावित हों। इस महल को बनाते वक्त शाहजहां मकबरे से कुछ ज्यादा बना रहे थे। ताज का परिसर शहर के अंदर एक शहर था। इन सड़कों की उथल पुथल में भी हमें शाहजहां के खोए कारवां सराय के सुराग मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें दो आर्चेस हैं और यहाँ सपाट छत है। गलियों और गलियारों से होते हुए उन्हें कुछ अस्थाई दुकानें मिली जहाँ कभी व्यापार की हलचल रहा करती थी। जरा इसे देखिए, वाह! ये गजब की बात है कि इस तरह की जगह आज भी आगरा में छिपी हुई है। इन लोगों ने इस जगह को संभाल कर रखा है। हम देख सकते हैं कि ईव्स और ब्रैकेट्स अच्छी तरह से संजोए हैं, जो शाहजहां के समय के हैं। वाह, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, हमारे जांचकर्ताओं ने पाया कि ताजमहल एक विशाल परिसर था, कई समृद्ध निशानियां समेटे, जिसका कारवां सराय के व्यापारी समर्थन करते थे। अब ये जो खोज रहे हैं वो आसानी से हाथ नहीं आएगा। दुनिया की सबसे मशहूर इमारत होने के नाते ताजमहल के बारे में कई कहानियां हैं। उनमें से काले ताज की कहानी आज भी सबसे ज्यादा दिलचस्प है। तो कहानी ये है कि शाहजहां असल में एक और ताज, काला ताज, यमुना नदी के उस पार बनाना चाहते थे जो ताजमहल के ठीक सामने होता। तो मैं नदी पार करके देखूंगा कि वहां मुझे क्या मिलता है। माइक शूलर पानी पर सवार होकर उस पार जा रहे हैं। क्या काले ताज के अवशेष नदी के उस पार है अब तक अनदेखे? जो कहावत आज भी टूर गाइड सुनाते हैं वो ये है कि मुगल बादशाह शाहजहां काले संगमरमर का एक दूसरा मकबरा ताज के सामने ही नदी के उत्तरी किनारे पर बनाना चाहते थे। टूरगार्ड कहते हैं कि शाहजहां के बेटे ने उसका काला रूप बनाने से पहले ही अपने पिता का तख्ता पलट दिया। कई लोगों ने यह दावा भी किया है कि उन्हें काले संगमरमर के टुकड़े मिले, जो शायद काले ताज की अधूरी नींव हो सकते हैं। लेकिन उन हजारों टूरिस्ट को जो ताज के खेमों से नदी के उस पार देखते हैं, बंजर धरती से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता। जांचकर्ता माइक शूलर नदी के उस पार जा रहे हैं काले ताज के किस्से के बारे में सबूत ढूंढने। आर्कियोलॉजिस्ट जॉन फ्रिट्ज नदी के उस पार माइक से मिलते हैं। उन्होंने यहाँ के खंडहर में 10 साल खुदाई की है और क्योंकि उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिला, इसलिए वो मानते हैं कि काले ताज की कहानी मनगढ़ंत है। मैंने ये बात सुनी है, ये मशहूर कहानी, कि शाहजहां असल में ताजमहल की एक हूबहू नकल काला ताज यहाँ बनाना चाहते थे काले संगमरमर से। ये उसी की नींव जैसी लगती है ना? ये नींव जैसी लगती है, मगर ये ताज की नींव नहीं है। ये एक बेहतरीन प्रेम कहानी है जो 300 साल पहले हुई थी। अफवाहों की कोई असली बुनियाद नहीं है।
उन्हें कोई काला पत्थर नहीं मिला। तो ये काले ताज की नींव नहीं है? पत्थर नहीं, कोई काला ताज नहीं था। अगर काला पत्थर नहीं मिला तो ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है कि यहाँ काला ताज बनने वाला था। दरअसल ये लोगों की बनाई हुई मनगढ़ंत कहानियाँ हैं और कुछ नहीं। लेकिन उन्हें अपनी जांच में पता चला कि शाहजहां नदी के इस पार कोई निर्माण करना चाहते थे। एक और इमारत नहीं बल्कि वो मेहताब बाग यानी मूनलाइट गार्डन बनाना चाहते थे। यहाँ एक भव्य आठ कोनों वाला फव्वारा हुआ करता था, एक विशाल कुंड जिसमें से करीब 25 फव्वारे निकला करते थे। यहाँ दरबार भी लगता था और शाहजहां को खासकर इस कुंड के उत्तरी छोर पर बने मंडप में बैठ रहते होंगे और खुशबूदार फूल तन मन सुगंधित करते होंगे। और ये पहले से ही निश्चित था कि शाहजहां बाग में शाही बेड़े पर नदी के जरिए प्रवेश करेंगे। बादशाह उस ओर से मेहताब बाग आते थे, यानी ये वही सीढ़ियां हो सकती हैं जिनसे बादशाह नीचे उतरते थे। तो मैं शाहजहां की निजी सीढ़ी पर खड़ा हूं, शाही सीढ़ी पर। बिल्कुल, और ये बहुत ही बढ़िया है। मेहताब बाग को इस तरह बनाया जाना था कि वो नदी के उस पार ताजमहल के बागीचों की सीध में हो। इस बाग के बारे में एक अहम बात है जो इसके अनुभव को खास बना देती है, और वो ये कि ये ताजमहल की ठीक सीध में बना है और समानता में भी ताज के अंदर से होते हुए तालाब से होते हुए उत्तर के दरवाजे के फव्वारे तक। मैं देख रहा हूँ कि इस कोने के खेमे भी ताजमहल के पूर्वी छोर की बिल्कुल सीध में है। इस बाग का अहाता बिल्कुल ताजमहल के बागीचे की चौड़ाई का है। और 350 साल बाद हम इसे फिर से वैसा बना सकते हैं जैसा ये तब दिखता था। मेहताब बाग हमेशा से ही ताज परिसर की असली योजना का हिस्सा था। शाहजहां ने अपना सपना पूरा करने के लिए अपने राज्य की तमाम दौलत और साधना लगा दी। उन्होंने प्राकृतिक तत्वों का इस्तेमाल किया, जैसे नदी और दिन की बदलती रोशनी, चांदनी में जो कंप्यूटर की तकनीक से बनाई गई है, काला ताज पानी पर नजर आता है। क्या शाहजहां का असल में यही इरादा था? एक और महल नहीं बल्कि ताजमहल की गहरी छाया, चांदनी में बनी एक परछाई। ताजमहल की अलौकिक सुंदरता के जरिए एक तानाशाही राजा दुनिया के सामने अपनी शानो शौकत दिखा रहा था। ये हाल में ही पता चला है कि ताज परिसर में मकबरा, बागीचा, प्रवेश दरबार तो है ही, पर ताजगंज और अब मेहताब बाग भी उस शानदार योजना में शामिल थे। हाँ, साइट की समानता का हिस्सा, ये उसका जोड़ है। सही कहा, ये बहुत बड़ी योजना थी। मतलब ये उत्तर से दक्षिण तक करीब 1 किलोमीटर से ज्यादा है। गजब का निर्माण है। ये साफ है कि शाहजहां अपने मेहमानों पर हावी होना चाहते थे। इसका विशाल पैमाना, इसका रौबदार दरवाजा, मकबरे तक लंबा रास्ता, इसके चार मीनार जो ऐसे खड़े हैं जैसे किसी कीमती नग की रखवाली कर रहे हो, और इसकी सुंदर सजावट, सभी इस बात को पुख्ता करते हैं। लेकिन इसकी शैली की एकता और इसके डिजाइन का मेलजोल ही हमारे जांचकर्ताओं के लिए शाहजहां की सबसे बड़ी सफलता है। ये सिर्फ एक शख्स के सपने का नतीजा नहीं है बल्कि दो विकसित सभ्यताओं का मेल भी है। ताजमहल में शाहजहां ने मुगल आर्किटेक्चर को भारत के और पहले के बहुमूल्य इतिहास के साथ मिला दिया। शाहजहां के राज्य का तो अंत में पतन हो गया, लेकिन ताजमहल आज भी जिंदा है और इसे आज भी खूबसूरती की बेमिसाल यादगार माना जाता है। कुएं बनाते वक्त की जाती है, पर उसमें पत्थर, गारा, लोहा और ऐसी कई सारी चीजें भरी गई थीं नींव को एक तरह से ज्यादा तगड़ा और सहनशील बनाने के लिए। हाँ, बिल्कुल ठीक। आज ताजमहल साबुत नहीं दिखता, संगमरमर फीका हो गया है। इधर उधर खाली जगहें खोए पत्थर की याद दिलाती हैं। ये प्रदूषण और साल भर लाखों टूरिस्ट की चहल पहल के असर हैं। कभी कभी तो एक दिन में 30,000 लोग यहां आते हैं। इसलिए ताजमहल के संरक्षण का काम अपने आप में बड़ा भारी है। माइक के लिए ये अनोखा अवसर है इसको बनाने वाली प्राचीन कलाओं को खुद देखने का। जबरदस्त, ये बहुत ही खूबसूरत है। देखने से लगता है
लेकिन ताजमहल संगमरमर के ठोस ब्लॉक से नहीं बना है, उसे सादी ईंट से बनाया गया है और फिर उस पर संगमरमर या लाल सैंडस्टोन लगाया गया है। सैंडस्टोन के ब्लॉक कटने के बाद उन्हें सुंदर नक्काशी और मार्बल के जड़ाऊ काम से सजाया जाता है। इनमें से कई कारीगर ऐसे परिवारों से हैं जिनकी कई पीढ़ियां ताजमहल पर काम कर चुकी हैं। हम अभी मेन स्टोन यार्ड से आ रहे हैं जहां पत्थर पर मोटा मोटा काम होता है, फिर वो इसे यहां लाते हैं जहां कारीगर इन पर ये बारीक फूलों के डिजाइन बनाते हैं और इसे अच्छी फिनिशिंग भी देते हैं। दरअसल इस पत्थर को मेन गेट वाली दीवार पर लगाया जाएगा जो वहाँ अंदर है, जहाँ पुराना पत्थर समय और मौसम के साथ भुरभुरा गया है। तो संरक्षण का एक हिस्सा है पत्थर पर बने पैटर्न को दर्ज करना और उसकी हूबहू नकल बनाना। ये देखने में बड़ा महीन लगता है, कला का अच्छा नमूना है, लेकिन इन्हें बहुत मामूली औजारों से बनाया गया है जो दरअसल बहुत ही प्राचीन तरीका है। आधुनिक सुधार के नाम पर साधारण छेनी है जिसकी नोक पर सख्त स्टील है बस। बारीकियों पर गजब का ध्यान दिया गया है। संगमरमर को जड़ने के लिए पारंपरिक तौर से काटा जाता है, इसमें बहुत कारीगरी है। ओह, ये क्या है? ये धनुष की तरह दिखने वाली आरी है और ये पतले से तार से कुशलता के साथ पत्थर को काट रहे हैं। बहुत ही बारीक काम है। संगमरमर को रगड़ने की सरल तकनीक से काटा जाता है। इसमें रेत, पानी और पतली डोरी इस्तेमाल होती है। कंप्यूटर का यहाँ कोई काम नहीं, हर एक हिस्से को बड़ी मेहनत के साथ हाथ से बनाया जाता है। वाह, जरा ये देखिए, इसकी कारीगरी बिल्कुल अद्भुत है। यहाँ जो गारा इस्तेमाल होता है वो भी 300 साल पुरानी पारंपरिक विधि से बनता है। ओ, ये पिछले 10 मिनट से पीस रही हैं सारे कंकड़ों को तोड़कर महीन पाउडर बनाने के लिए। लेबोरेटरी में काफी जांच करने से पता चला कि ताज पर इस्तेमाल हुआ गारा आटे, शीरे, नींबू और संगमरमर की धूल से बना था। साथ ही साथ इसमें फलों का रस भी शामिल था। हाँ, ये पेस्ट जैसा है लेकिन बहुत महीन है, इसमें जरा भी कंकड़ नहीं। बहुत ही चिकना है, ये आपको बाजार में नहीं मिलेगा। ये बहुत खास है और कई सौ सालों से अपना काम बखूबी कर रहा है। ताजमहल भारत का सबसे मशहूर स्मारक है। भारत में सफर करती हमारी टीम ने वो भव्य किले और शानदार महल खोज निकाले हैं जिनके कारण ताजमहल बन सका। ये एक अद्भुत निशानी है प्यार की, जो शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के लिए बनवाई थी। उन्होंने गर्म हिंदुस्तानी मैदानों में एक पत्थर का बागीचा बनवा दिया था। शाहजहां के इस स्मारक के बारे में आज तक कई कहानियां हैं, जिनमें काले ताज की कहानी अभी तक मशहूर है। शाहजहां असल में यमुना नदी के उस पार एक काला ताज बनाना चाहते थे, तो मुझे नदी पार करके देखना है कि वहां मुझे क्या मिलेगा। 5 सदियों बाद हम आधुनिक रिसर्च इस्तेमाल करके अद्भुत इमारतों और बागीचों का एक नेटवर्क बनाएंगे जो पहले से भी ज्यादा शानदार होगा। एक ऐसी दुनिया जो शाहजहां को भी नसीब नहीं हुई थी, लेकिन जो आज भी लोगों को चकाचौंध कर सके। ये ताजमहल की खोई हुई दुनिया है। भारत सन 1631, मुगल बादशाह शाहजहां अपनी बेगम मुमताज महल की मौत का मातम मना रहे थे। उनका दिल सिर्फ आर्किटेक्चर की दुनिया में लगता था और उनका परफेक्शन के लिए जुनून आजीवन बरकरार रहा। शांत जमुना नदी के एकांत तट पर उन्होंने शानदार मकबरे ताज महल की नींव डाली। बीती 3 सदियों में उनकी प्रजा ने ऐसा साम्राज्य बनाया जो लगभग पूरे भारत में फैला हुआ है। हालांकि वो खुद मुसलमान थे, लेकिन उनकी प्रजा हिंदू थी और उन्होंने अपनी तमाम दौलत अपने इस ख्वाब को पूरा करने में लगा दी। जिन हिंदू कारीगरों पर वो राज करते थे वो अपने पत्थर तराशने के हुनर के लिए मशहूर थे। वो कुछ अनोखा बना रहे थे। इस योजना का पैमाना इतना विशाल था कि जमीन पर पूरा शहर उभर आया। उसमें निर्माण के 20 साल तक 20,000 मजदूर रहते थे। आज इसकी कीमत 20 करोड़ डॉलर से ज्यादा ही होगी,
लेकिन ताजमहल का एक ही उपयोग था, एक बेगम की कब्र। इसकी सबसे जबरदस्त विशेषता है इसका पत्थर। इसकी ऊंचाई इसकी चौड़ाई और गहराई के बराबर है, 20 मंजिला इमारत जितनी बड़ी, तकरीबन 115 फुट की। ये अमर प्रेम की निशानी है, लेकिन ये बेलगाम चाहत का सबूत भी है, एक शख्स का अहम। इस स्मारक का ऊंचा ओहदा ये बात छिपा लेता है कि ताज के कई असली निर्माण और बागीचों को वक्त ने निगल लिया है। हमारे जांचकर्ता भारत आए हैं उस दुनिया की खोज में जिसने ताजमहल को जन्म दिया। ये समझना आसान है कि रोज 20,000 लोग ताजमहल देखने क्यों आते हैं। जब आप इसके दरवाजे से गुजरते हैं, इसका असर कुछ अलग है, इसका साइज जबरदस्त है। आर्कियोलॉजिस्ट क्रिस्टिन रोमी उन विरोधी आर्किटेक्चरल परंपराओं के बारे में जानने की कोशिश कर रही हैं जिसने इसे आकार दिया। प्राचीन तरीके से काम होता देखकर मुझे बड़ा मजा आ रहा है। 350 साल बीतने पर भी शाहजहां की विरासत मजबूत है। उस वक्त और आज भी कारीगर उनके प्रेम की यादगार की शान को बरकरार रखने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसे बनाने में और लोगों का भी हाथ है। शाहजहां और उनका ताज दूसरे राजाओं और इमारतों के वंशज हैं। ताजमहल पर काम शुरू होने के 50 साल पहले शाहजहां के दादाजी अकबर द ग्रेट ने लाल सैंडस्टोन से एक विशाल दुर्ग बनाया था। अब गजब के महलों और अभेद्य किलों में हमारे जांचकर्ता ताजमहल का डीएनए ढूंढेंगे। हमारे जांचकर्ता भारत आए हैं ताजमहल को जन्म देने वाली दुनिया फिर से खड़ी करने के लिए। ताजमहल आर्किटेक्चर का एक बेमिसाल नमूना है और इसकी दिलचस्प प्रेम कहानी जिसने इसे जन्म दिया बहुत मशहूर है। ये मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल सिर्फ एक इंसान के गम का नतीजा नहीं है, ये दो विरोधी सभ्यताओं के संगम से पैदा हुआ है, हिंदू और मुसलमान। और इन दो शैलियों का संगम शुरू हुआ शाहजहां के दादा अकबर द ग्रेट से। मुगल सल्तनत में उन्होंने सबसे ज्यादा निर्माण किए थे। अकबर ने अपना साम्राज्य महलों और किलों से भर दिया, अपनी प्रजा को चकाचौंध करने के लिए और अपने राज की शान बघारने के लिए। आर्कियोलॉजिस्ट क्रिस्टन रोमी ताजमहल से करीब 32 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की दिशा में अकबर की सबसे शानदार रचना फतेहपुर सीकरी शहर जा रही है। इस दुर्ग की बनावट बिल्कुल नई और दूरदर्शी थी, इसका काफी असर ताजमहल की बनावट पर भी पड़ा। फतेहपुर सीकरी का लाल सैंडस्टोन समय के साथ बिल्कुल नहीं बदला। सन 1569 और 1585 के बीच में बनाया गया फतेहपुर सीकरी 4.5 सदियों से शांत पड़ा है। दरअसल सबसे खास बात फतेहपुर सीकरी की ये है कि यहाँ पर आपको जीवन के बहुत सारे सुराग नहीं मिलेंगे। ये बहुत साफ सुथरी साइट है, यहाँ ज्यादा मलबा नहीं पड़ा है और इस जगह से ये अंदाजा नहीं लगता कि कोई भी यहाँ जरा से भी वक्त के लिए ठहरा हो। सिर्फ 16 साल के बाद अपर्याप्त पानी की सुविधा यहाँ की आबादी का पोषण नहीं कर सकी और इसे छोड़ दिया गया। अगर आप आसपास की बिल्डिंग्स देखें तो ये बहुत बड़ी लगती है, विशाल और खाली। क्रिस्टन लोकल आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर मक्खन लाल से उस छोटे अरसे की बात कर रही हैं जब अकबर का ये शहर मुगल सल्तनत का केंद्र था। फतेहपुर सीकरी धंधे और व्यापार का केंद्र था, दुनिया भर से व्यापारी यहाँ अपना सामान बेचने आते थे। यहाँ सोने, मसालों और बढ़िया सिल्क का व्यापार होता था। दुर्ग के बाहर बड़ी दीवारों से सुरक्षित और साफ सुथरी दुकानों की एक कतार मुख्य मार्ग के किनारे लगती थी। वहाँ दूर तक दुकानें होती थीं। ओह अच्छा। ये एक एक दुकान है। ये थोड़ी छोटी हैं। ये छोटी हैं, लेकिन इनमें कई विशेष तरह की दुकानें थीं।
तो आपके मुताबिक दुकानदार यहाँ सामने जी रहता होगा? दुकानदार सामने बैठता था, खरीदार ठीक यहाँ बैठते थे और मोल भाव करते थे, बातचीत करते थे कि कौन सा सामान खरीदना है। सबसे महंगी चीजें एक शानदार चौक में बिकती थीं, जहाँ एक बड़ा सैंडस्टोन का दरवाजा था। ये चौक जरा आकर्षक लग रहा है। हाँ, ये कुछ खास चीजों के लिए था, जैसे ऐशो आराम की चीजें। अच्छा, तो वो सस्ती फुटपाथ की दुकानें थी और ये एक तरह का मुगल जमाने का मेडिसन एवेन्यू था। जी हाँ, बिल्कुल, आप ऐसा कह सकती हैं। ये कल्पना करना खूब है कि ये जगह अपने चरम पर कैसी दिखती होगी। साम्राज्य के अलग अलग कोनों से व्यापारी आते होंगे। फतेहपुर सीकरी की बढ़िया दुकानों के हाथों से खूब दौलत गुजरती थी। ये एक फलता फूलता व्यापार केंद्र था, जिसकी पहुँच यूरोप और ऑटोमन साम्राज्य तक भी थी। अकबर के आर्किटेक्ट ने अपनी प्रेरणा उन डेरों से ली, जहाँ उनके लोगों के रहने का रिवाज था। ये लोग कभी बंजारे हुआ करते थे। ये खाली पड़े मंडप असल में तंबू थे, जिनमें कपड़े की बजाय पत्थर लगा दिया गया था। और अकबर की इस शानदार रचना का गहरा असर हुआ शाहजहां पर। उन्होंने भी अपने किलों और महलों में लाल सैंडस्टोन इस्तेमाल किया। भारत की पत्थर तराशने की परंपरा दुनिया में सबसे कुशल मानी जाती है। भारत में 10वीं सदी से पहले ही पत्थर के कारीगरों ने भव्य मंदिर बनाए थे, जिनको भगवान, अप्सराओं और जानवरों की असल मूर्तियों से सजाया था। जब अकबर ने फतेहपुर सीकरी की नींव डाली, तब उन्हें लोकल भारतीय कारीगरों की कला का पूरा अंदाजा था। कारीगर अपनी कला आगे की पीढ़ियों को सिखा जाते थे, और आज वही कुशलता जिससे शहर बना, उसे संजोए रखने के काम आ रही है। क्योंकि ये तरीका नहीं बदला, माइक शुलर को ये देखने का मौका मिल रहा है कि सदियों पहले काम कैसे होता था। उन्होंने जिस तरह की सूक्ष्मता देखी, उसकी बराबरी आधुनिक तकनीकें बहुत कम ही कर सकती हैं। यहाँ अकबर के कारीगरों ने जबरदस्त पत्थर के महल बनाए, जिन्हें सुंदर नक्काशी और जड़ाऊ काम से सजाया। इनमें से एक बीरबल का महल बादशाह के जनान खाने की औरतों के लिए बना था। उनके जनान खाने में लगभग 5000 औरतें थीं, 100-200 उनकी बीवियाँ। उनमें से कई जीते जी उनसे मिली ही नहीं, तो समझ लीजिए कि कई बहुत सुंदर लेकिन बहुत ही ऊब चुकी लड़कियाँ सोने के पिंजरे में कैद थी। अकबर का जनान खाना उनके साम्राज्य के मुताबिक बढ़ता रहा। हर नई जीत के साथ पराजित रईस अपनी सबसे सुंदर बेटियां उन्हें तोहफे में दे देते थे, लेकिन इन सबसे ज्यादा उन्हें अपने राज्य में दिलचस्पी थी। दीवाने खास भारत की किसी भी इमारत से हटकर है। आज ये दुनिया का सबसे अच्छी तरह से संरक्षित और सबसे सुंदर मकबरा है। सही मायनों में देखा जाए तो इस बात में काफी दम है कि ताज असल में सिर्फ एक मकबरा है। ताजमहल एक नए तरह के आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का शिखर है, जो शाहजहां के राज में विकसित हुआ था। इंजीनियर माइक शुलर महल की बनावट के बारे में और जानना चाहते हैं कि इसमें कौन से औजार और तकनीकें इस्तेमाल हुई थीं, उसमें भारत की पत्थर चिनाई की परंपरा का क्या हाथ था। जब इसे पोस्टकार्ड पर देखते हैं तो ये बहुत ही छोटा और नाजुक लगता है, लेकिन यहाँ इसका सुडौलपन बहुत ही सुंदर है। लेकिन शाहजहां का ख्वाब हमेशा एक से ज्यादा महल बनाने का था। आज भी जगह 46 फुटबॉल के मैदानों से बड़ी है, लेकिन शाहजहां के समय में ये और भी बड़ी रही होगी। आपको लगता है कि ताजमहल एक हरे भरे बागीचे के बीच में है, लेकिन असल में और भी बिल्डिंग्स इस ताज कॉम्प्लेक्स से जुड़ी थी। ये किला बंद लगता है। जिस बाहरी दीवार के बड़े दरवाजे से हम अंदर आए, वो 30 फुट मोटी है, बहुत ही जबरदस्त। आज ताजमहल की तस्वीरें एक ही जगह से ली जाती हैं, वही इसकी पहचान बन गई है। लेकिन ताज के भीतर ऐसी कई किलानुमा इमारतें अलग अलग सभ्यताओं का मेल दर्शाती हैं। ये मुगल राजवंश का नमूना है। कई सदियों से इसकी अचूक सिमेट्री और चमक ने लोगों को चकाचौंध कर दिया है।
और उनके पीछे एक दिलचस्प बात छुपी है। हजारों टूरिस्ट जो यहाँ रोज आते हैं, वो ये नहीं जानते कि वो जो देख रहे हैं वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल शाही दरवाजा उत्तर में है, नदी के किनारे। मुगल काल में नदी ही मुख्य रास्ता थी जो सारी शाही इमारतों को जोड़ती थी, और आज ज्यादातर टूरिस्ट ताज को वैसे नहीं देख पाते जैसा कि मुगल बादशाह ने चाहा था। शाहजहां और उनके शाही मेहमान तट पर बने चबूतरे से आते थे, जिसे बढ़ती नदी ने बहुत पहले ही नष्ट कर दिया। वो दरअसल नाव पर सवार होकर आते। अच्छा, ये हाईवे था, हाईवे उस जमाने का हाईवे। वो उसका इस्तेमाल खोज भी। डॉक्टर इमरम डायलन ताजमहल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के हेड है। उन्होंने माइक को बताया कि कॉम्प्लेक्स को कैसे देखने के लिए बनाया गया था। और ये बिल्डिंग का मेन हिस्सा है, सामने का हिस्सा। यही वजह है कि आप देख सकते हैं इसे खूबसूरत जड़ाव काम और फूल पत्ती की नक्काशी से सजाया गया है। सुंदर सजावट है इसकी, बहुत खूब। ये जड़ाव काम शाहजहां के समय में चालाकी से छिपाया गया था। ये सिर्फ शाही आंखों के लिए था। उनका ख्वाब पूरा करने के लिए ये जगह बहुत अहम थी, लेकिन नदी किनारे कुछ भी बनाना शाही इंजीनियरों के लिए मुश्किल काम था। सरकती और रेतीली जमीन पर नींव खड़ी करना आसान नहीं था। उन्हें खोदने के बाद वो तुरंत फिर से भर जाती थी। इंजीनियरों को यहाँ एक भव्य महल खड़ा करना था, इसलिए उन्हें एक अनोखा उपाय निकालना पड़ा। मजदूरों ने ठोस जमीन तक गहरे गड्ढे या कुएं खोदे और उनमें पत्थर और कंकड़ भर दिए। ये नींव कितनी गहरी है? ये आज की जमीन से 15-20 फुट गहरी है। सच कहें तो नींव बहुत ही गहरी बनाई गई थी। तो ये पानी निकालने वाले कुएं की तरह नहीं है, बल्कि धरती में ऐसे खुदाई की गई थी जैसे अक्सर